वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ जो है तवा फिश फ्राई की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ जी, इनके इंग्रेडिएंट्स में जाएगा ये, हम क्योंकि क्विक रेसिपी यूज़ कर रहे हैं, आप इसको एक घंटा मसाला लगाएंगे तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं। ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं इसको करना। जब आप बाजारी मसाला यूज़ करते हैं तो आप इस चीज़ को आपने ज़रूर अपने जहन में रखना है। अच्छा जी, एक पैकेट इसमें जाएगा, क्योंकि 1.5 kg तकरीबन हमारी ये फ़िश है। इसकी हमने स्किन उतरवा ली हुई है, ये काला रोहू फिश है। इसको धो के पहले नमक लगा के 2 घंटे तक छोड़ा था, फिर धो के इसको अच्छी तरह खुशक कर लिया। इसमें 2 से 3 tablespoons ऑयल जाएगा, 2 lemons जाएंगे, 1 packet मेहरान का फ़िश मसाला जाएगा, 1/2 teaspoon डागड़ी हुई मिर्चें हैं, 1/2 teaspoon अजवाइन और 1/2 teaspoon गर्म मसाला पाउडर है। अब इसको लगा के हम 1 घंटा मैरिनेशन के लिए रख देंगे, फिर आपको तवे पे इसको फ्राई करके दिखाते हैं। ये हम जी 1 packet फिश मसाला इसमें ऐड कर रहे हैं। ये जो अजवाइन और गरम मसाला और दागड़ी मिर्चें 2 से 3 tablespoons हमारा ये गया ऑयल, और अब इसमें ये 2 lemon जूस, जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक करें वीडियो को। आप अगर हमारे पेज पे हमारी आप हमारा ये देखें चैनल देखें तो इंशाल्लाह आपको बड़ी खुशी होगी, क्योंकि इसमें आपको हर किस्म की रेसिपी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। सब्जियां, दालें, मटन, फिश, चिकन, बारबेक्यू, सब तरह की वैरायटी आपको मिलेगी। अगर कोई आप नई डिश खाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके आप प्लीज़ मुझे बताएं। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करते हैं। बस इतना पानी ऐड करना कि ये हमारी सारी फिश को ये मसाला लग जाए। इतना पतला ना हो मसाला के ये बहे फिश से, बस उसके साथ तवा फिश ये ज़रूर आपने ट्राई करनी है। तो आपको ये पता होगा कि मशहूर जवेद की फ़िश है कसूर में, जो तवे पे फ्राई की जाती है। अगर आप इस रेसिपी को भी खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कसूर जाना भूल जाएंगे, अपने घर पे ही इसको आप खा के खूब इंजॉय करेंगे। पहले भी एक वीडियो में मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि जब आप किसी चीज़ को जल्दी बनाना चाहते हैं या पकाना चाहते हैं, चाहे वो बारबेक्यू हो, चाहे वो रोस्ट हो या ब्रोस्ट हो, फिश हो, तो फिर आपने बाजारी मसाले यूज़ करने हैं। अगर तो आपके पास टाइम है मैरिनेशन का तो फिर आप घरेलू मसालों को ही तरजीह दें बाजारी मसालों से। ये तो समझे मैं इसको मसाला लगाऊंगी और घर में रोटियां बनाएंगे, चटनी वगैरह बनाएंगे, उतनी देर ये हमारी 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे मैरिनेशन हो जाएगी इसकी, तो फिर इसको हम तवे पर फ्राई करें। ये देखें जी, ये सारी कोटिंग हो गई है। अब मैं किसी बाउल में डाल के तो इसको फ्रिज में रखने लगी हूँ। गर्म करने के लिए रख दिया, इसमें ऑयल डाल दिया हमने, और ये मीडियम टू लो फ्लेम है इसकी, ज़्यादा ना लो है ना हाई है, क्योंकि ये दरमियानी आंच पे ही पकेगी, क्योंकि ये हम डीप फ्राई नहीं करें। ये देखें ये मैरिनेट हो चुकी है, 2 घंटे हो गए फिश को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके अब इसको तवे पर ऐड करते हैं। बड़ी ही अच्छी खुशबू आई है, अभी मैंने 1 piece ही डाला है इसमें। आपने माशाल्लाह ये भी बोलना है, साइड चेंज कर रहे हैं। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, ये देखें ये कैसी चुड़ियाँ बनी हैं। अभी कच्ची है लेकिन देखें उसमें चुड़ियाँ नज़र आ रही हैं।
ये देखो एक से दो मिनट के बाद इसको हमें इसकी साइड पे करते रहना ताकि अंदर से अच्छी तरह पक जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आएगा, आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रेस करते जाए। जो इसमें और डाल दिया जो अब भी के साथ साथ हम साइड पे रख रहे हैं ताकि वो भी गर्म रहे। इसके मसाले की इतनी अच्छी खुशबू बोला। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह से मैंने सारे पीसेस उसमें ऐड कर दिए हैं जितने हमने खाने हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। फिश डन हो चुकी है तकरीबन, इसको फ्राई करते हुए मुझे 10 मिनट्स हो गया। मैं बार बार इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और ये देख रहे हैं आप कि कैसी ये इसकी चूड़ियाँ बनी हैं। मैं आपको एक पीस तोड़ के भी दिखाती हूँ, बिल्कुल अंदर तक गल गई है। कितने कम ऑयल में हमने इसको बनाया है, तो आप इसको ये देखेंगे माशाल्लाह जी माशाल्लाह। खाएंगे याद करेंगे घर वाले भी और आप लोग मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे। और इसके साथ ही आज का हाँ जी इसके साथ ही आज का हम व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ये देखें जी ये इसको मैं आपको तोड़ के दिखाने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखेंगे कैसी टेंडर। बस इसी के साथ जो अपना व्लॉग एंड करते हैं। मेरे व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह तो ये जो है हमारी तवा फ़िश रेडी हो गई थी, बहुत मज़े की बनी थी, इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही थी। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उस वीडियो को लाइक कर दे। अल्लाह हाफिज़।